नमस्ते नमस्कार दोस्तों, नमस्ते नमस्कार नमस्कार स्नेहितरे फ्रेंड्स, आज ग्रीटिंग्स जो हिंदी में अभिवादन बोलते हैं तो खरना में शुभाशय बोलते हैं, तो इसके बारे में सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता इसलिए आप कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज ग्रीटिंग्स अभिवादन जो खरना में शुभाशय बोलते हैं तो इसके बारे में सीखेंगे। आइए सीखते हैं बन्नी खलियोना। तो नमस्ते नमस्कार, तो हिंदी में नमस्ते नमस्कार बोलते हैं तो कन्नड़ा में नमस्ते नमस्कार नमस्कारगुलु करके बोलते हैं। तो नमस्ते नमस्कार वो एकवचन में हो गया, नमस्कारगुलु वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आप नमस्ते नमस्कार नहीं तो नमस्कारगुलु करके भी बोल सकते हैं। तो इधर ला अक्षर का बहुत प्रयोग हो रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ, तो कन्नड़ा में ला अक्षर का प्रयोग बहुत होता है इसलिए आपको ला अक्षर सीखना बहुत जरूरी है। कोई भी भाषा हो तो उसका प्रोनंसिएशन उच्चारण जो होता है आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो इधर नमस्ते बोल सकते हैं, नमस्कार बोल सकते हैं, नहीं तो आप नमस्कार करके भी बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग को हिंदी में शुभ प्रभात बोलते हैं तो कन्नड़ा में शुभोदया बोलते हैं। तो शुभ प्रभात को शुभोदया बोलते हैं। गुड आफ्टरनून, ऐसे तो हिंदी में कोई शब्द नहीं है तो कन्नड़ा में शुभ मध्याह्न बोलते हैं। तो मध्याह्न, दोपहर को मध्याह्न करके बोलते हैं, तो गुड आफ्टरनून उसको शुभ मध्याह्न करके बोलते हैं। वही शुभ रात्रि, गुड नाइट को शुभ रात्रि हिंदी में बोलते हैं तो कन्नड़ा में शुभ रात्रि करके बोलते हैं। शुभ रात्रि को शुभ रात्रि करके बोलते हैं। ऐसे तो कोई भी मिलता है तो नमस्ते नमस्कार नमस्कार का ही ज्यादा प्रयोग होता है। ये शुभोदय शुभ मध्याह्न वो बहुत कम प्रयोग होता है। जब भी कोई मिलता है तो नमस्ते नमस्कार नमस्कार का ही ज्यादा प्रयोग में है। अभी शुभ दिन, गुड डे उसको शुभ दिन जो हिंदी में बोलते हैं, कन्नड़ा में शुभ दिन करके बोलते हैं। शुभ दिन को शुभ दिन बोलते हैं। बेस्ट ऑफ लक उसको जो हिंदी में शुभ कामनाएं बोलते हैं तो कन्नड़ा में शुभ वागली करके बोलते हैं। शुभ वागली अथवा शुभ हारैके करके भी बोल सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक उसको शुभ कामनाएं शुभ वागली करके बोलते हैं। जो कंग्रेचुलेशन जो हिंदी में बधाई हो करके बोलते हैं तो कन्नड़ा में अभिनंदने बोलते हैं। अभिनंदने, तो बधाई हो तो अभिनंदने करके बोलते हैं। वही विश यू बेस्ट ऑफ लक उसको जो हिंदी में आपको शुभ कामनाएं बोलते हैं तो कन्नड़ा में निमगे शुभवागली अथवा निमगे शुभ आरैकेगळु करके बोलते हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक उसको हिंदी में आपको शुभ कामनाएं तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे निमगे शुभवागली अथवा निमगे शुभ आरैकेगळु करके बोलते हैं। तो आप किसी से मिलेंगे तो क्या पूछेंगे, आप कैसे है, तो आप कैसे है उसको कन्नड़ा में आपको नीवू कैसे है एगिद्दीरा, तो आप कैसे है तो कन्नड़ा में बोलेंगे नीवू एगिद्दीरा। तो इधर आप जो हो गया आप रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो इसलिए आप कैसे है करके बोल रहे हैं तो कन्नड़ा में आपको नीवू कैसे है एगिद्दीरा करके आप बोलेंगे। वही आप एक वचन में पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो उसको कन्नड़ा में तुमको नीनु कैसे हो एगिद्दीया करके बोलते हैं। तो तुम कैसे हो तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे नीनु हेगिद्दीया। तो नीनु हेगिद्दीया एकवचन में हो गया, नीवु हेगिद्दीरा वो बहुवचन में हो गया। तो हेगिद्दीया एकवचन में, हेगिद्दीरा तो बहुवचन में। तो मैं ठीक हूँ आप बोल रहे मैं ठीक हूँ, तो मैं को नानु ठीक हूँ चेन्नागिद्देने, तो मैं ठीक हूँ तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे नानु चेन्नागिद्देने। तो नानु चेन्नागिद्देने वो एकवचन में हो गया। यदि आप बहुवचन में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, हम ठीक है, तो उसको कन्नड़ा में हमको ना वो ठीक है चेन्नागिद्देवे, तो इधर चेन्नागिद्देवे करके बोलेंगे। हम ठीक है उसको ना वो चेन्नागिद्देवे, तो चेन्नागिद्देने वो एकवचन में हो गया, चेन्नागिद्देवे वो बहुवचन में हो गया। तो मैं ठीक हूँ नानु चेन्नागिद्देने वो एकवचन में हो गया, हम ठीक है तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे नाउ चेन्नागिद्देवे ये बहुवचन में हो गया, नहीं तो हम रेस्पेक्टिव में बात कर रहे तब बोलेंगे। तो कहिए क्या हाल चाल है, तो पूछ रहे कहिए क्या हाल चाल है, तो कहिए को हेली करके बोलते हैं। क्या हाल चाल है नहीं तो क्या समाचार है उसको कन्नड़ा में बोलेंगे एनु समाचारा। तो कहिए क्या हाल चाल है तो कन्नड़ा में बोलेंगे हेली हेनु समाचारा। इधर हेली, इधर भी ला अक्षर का प्रयोग हो रहा है, तो इधर तो आप कभी ला को ला नहीं बोलना है नहीं तो अनर्थ मीनिंग निकलेगा। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो हेली उसको ला नहीं बोलना है, इधर जो ला का प्रयोग हो रहा है उसको ला नहीं बोलना है, इधर हेली करके बोलना है। तो कहिए क्या हाल चाल है, हेली हेनु समाचारा। तो इधर कहिए आप रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, यदि आप एक वचन में बोला है तो क्या बोलेंगे,
कहो क्या हाल चाल है, तो कहो उसको खनना में बोलेंगे हेलु, तो कहो को हेलु करके बोलते हैं। तो एक वचन में तो कहो हेलु करके बोलेंगे, कोई आप रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे तब बोलेंगे कही है, हेली करके बोलते हैं। तो कही है क्या हाल चाल है, तो खन्ना में बोलेंगे हेली एनु समाचारा, तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है या बढ़िया है, तो खन्ना में बोलेंगे येल्लव चेन्नागिदे, तो बढ़िया है या अच्छा है उसको खन्ना में बोलेंगे चेन्नागिदे, तो सब बढ़िया है, तो सबको येल्लव करके बोलते हैं, सब येल्लव, तो सब बढ़िया है, तो खन्ना में बोलेंगे येल्लव चेन्नागिदे। आपसे मिलकर खुशी हुई, तो बोल रहे हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आपसे निम्मन्नो मिलकर बेटियागी खुशी संतोषा हुई आयतु। तो इधर मिलकर उसको बेटियागी करके बोलते हैं, तो मिलना हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट वर्ब्स में सीख चुके हैं, तो मिलना उसको बेटियागुदु करके बोलते हैं, मिलना को बेटियागुदु, तो मिलकर उसको बेटियागी करके बोलते हैं, खुशी उसको संतोषा, तो संतोषा भी बोल सकते हैं आप, खुशी भी बोल सकते हैं, तो खुशी हुई उसको खनड़ा में बोलेंगे संतोषा आयतु, तो खुशी हुई तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे संतोष आयतु, नहीं तो खुशी आयतु करके भी बोल सकते हैं। तो आपसे मिलकर खुशी हुई तो बोलेंगे निम्मन्नु बेटियागी संतोष आयतु। इधर आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं, यदि आप एक वचन में बोलेंगे तुमसे मिलकर खुशी हुई, तो तुमसे उसको निन्नन्नु करके बोलते हैं, तुमसे मिलकर खुशी हुई तो बोलेंगे निन्नन्नु बेटियागी संतोष आयतु। तो इधर आपसे निम्मन्नु, तुमसे निन्नन्नु करके बोलते हैं, तो तुमसे मिलकर खुशी हुई तो खनड़ा में बोलेंगे निन्नन्नु भेटियागी संतोष आयतु। हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं, तो खनड़ा में हमको ना वो काफी बहला समय के बाद समयद नंतरा, इधर बाद उसको नंतरा करके बोलते हैं, तो समय के बाद उसको समयद नंतरा करके बोलते हैं। मिल रहे हैं तो बेटियागुतिद्देवे, तो मिलना बेटियागुदु, मिल रहे हैं तो उसको बोलेंगे बेटियागुतिद्देवे, तो मिल रहे हैं तो उसको खन्ना में बोलेंगे बेटियागुतिद्देवे, नहीं तो सिगुतिद्देवी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो बेटियागुतिद्देवे नहीं तो सिगुतिद्देवे, तो हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं तो उसको खन्ना में बोलेंगे नाउ बहला समयद नंतरा बेटियागुतिद्देवे। इधर काफी मतलब बहला भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तुम्बा भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम काफी समय के बाद मिल रहे हैं तो खनड़ा में बोलेंगे नाउ बहला समयद नंतरा भेटियागुतिद्देवे अथवा सिगुतिद्देवे। इधर देखिए ला, इधर जो भी हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, इधर लाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं हम, इधर लाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, इधर लाक्षर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आपको लाक्षर सीखना बहुत जरूरी है। तो आप बहुत दिन से दिखे नहीं, तो बोल रहे हैं आप बहुत दिन से दिखे नहीं, तो कन्नड़ा में आपको नीवू बहुत थुम्बा, इधर बहुत तुम्बा या बहड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत दिन से दिखे नहीं तो तुम्बा दिवस दिंदा, इधर दिन से उसको दिवस दिंदा करके बोलते हैं, कभी कभी से को इंदा करके भी प्रयोग करते हैं, तो दिन से उसको दिवस दिंदा, तो दिन उसको दिवसा करके कन्नड़ा में बोलते हैं, बहुत दिन से तुम्बा दिवस दिंदा, तो इधर दिन से उसको दिवसा दिंदा, तो दिन उसको दिवसा करके कन्नड़ा में बोलते हैं, तो दिन से उसको बोलेंगे दिवसा दिंदा, तो दिखे नहीं खाणिसलिल्ला, इधर दिखना उसको खाणिसुदु करके बोलते हैं, तो दिखे नहीं खाणिसलिल्ला, इधर नहीं मतलब इल्ला, तो दिखे नहीं उसको बोलेंगे खाणिसलिल्ला। तो आप बहुत दिन से दिखे नहीं, तो खाना में बोलेंगे नीवु तुम्बा दिवस दिंदा खाणिसलिल्ला, तो वही आप एक वचन में बोलेंगे तुम बहुत दिन से दिखा नहीं, तुम बहुत दिन से दिखा नहीं, तो खाना में बोलेंगे नीनु तुम्बा दिवस दिंदा खाणिसलिल्ला, इधर दिखा नहीं या दिखे नहीं तो दोनों को खाणिसलिल्ला करके भी बोलते हैं, तो इधर आपको तुम करके बोल रहे हैं, तो तुम बहुत दिन से दिखा नहीं तो खनड़ा में बोलेंगे नीनू तुम्बा दिवस दिंदा अथवा बहाड़ा दिवस दिंदा, इधर बहुत उसको तुम्बा भी बोल सकते हैं बहाड़ा भी बोल सकते हैं, तो बहुत दिन से दिखा नहीं तो तुम्बा दिवस दिंदा खाणिसा लिल्ला करके बोलते हैं। मैं शहर के बाहर गया हुआ था, अब बोल रहे हैं मैं शहर के बाहर गया हुआ था, तो मैं को नानू शहर के बाहर उसको बोलेंगे वरा हूरिगे गया हुआ था होगिद्दे, तो मैं शहर के बाहर गया हुआ था तो खन्ना में बोलेंगे नानू वरा हूरिगे होगिद्दे, इधर शहर को ऊर करके बोल रहे हैं, जो होम टाउन है उसको ऊर करके बोलते हैं, तो
तो आपका होम टाउन है उसको कन्नड़ा में ऊरु करके बोलते हैं। तो शहर के बाहर मतलब होरी ना होरेगे, तो बाहर मतलब होरेगे करके होता है। शहर के बाहर गया हुआ था, इसका मतलब शहर के बाहर मतलब आप दूसरा शहर गए थे या दूसरा जगह गए थे, तो उसको वरा होरीगे करके बोलते हैं। तो होरेगे मतलब बाहर होता है, तो शहर इधर ऊरु करके बोल रहे हैं। तो मैं शहर के बाहर गया हुआ था, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नान वरा होरीगे होगिद्दे। तो शहर के बाहर उसको वरा होरीगे करके बोलते हैं। तो शहर के बाहर मतलब अब दूसरा शहर गए थे, तो उसको वरा होरीगे, तो शहर को ऊरु करके बोलते हैं। जो भी आपका होम टाउन है उसको ऊरु करके बोलते हैं। तो मैं शहर के बाहर गया हुआ था, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नान वरा होरीगे होगिद्दे। तो हरे गए हुए थे यदि बोलना है तो बोलेंगे होगिद्देवु। तो होगिद्दे एकवचन में हो गया, ओगिद्देवु नहीं तो ओगिद्वी वो बहुवचन में होता है। तो हम शहर के बाहर गए हुए थे बहुवचन में बोलना है, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नावु। हमको नावु शहर के बाहर होरा होरिगे गए हुए थे, तो होगिद्देवु। तो होगिद्देवु नहीं तो होगिद्वी करके भी आप बोल सकते हैं। तो आप मुंबई से कब लौटे, तो बोल रहे हैं आप मुंबई से कब लौटे, तो आपको नीवु मुंबई से मुंबई निंदा कब लौटे यावागा वापस बंदरी। इधर कब यावागा लौटे वापस बंदरी, तो लौटे वापस बंदरी, इधर वापस बंदरी भी बोल सकते हैं, हिंदिरुगी बंदरी भी बोल सकते हैं। तो लौटना उसको हिंदिरुगुदु करके बोलते हैं, लौटना उसको हिंदी रुगु बोलते हैं। तो लौटे उसको वापस, तो लौटना उसको वापस भी बोल सकते हैं, तो हिंदी रुगु करके भी बोल सकते हैं। वो कब लौटे उसको खनना में बोलेंगे यावागा वापस बंदरी। इधर लौटे मतलब वो आप बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए बंदरी का प्रयोग हो रहा है। तो आप मुंबई से कब लौटे, तो खनना में नीव मुंबई निंदा, इधर मुंबई से मुंबई निंदा कब लौटे यावागा वापस बंदरी। यदि आप एक क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो कैसे पूछेंगे, तुम मुंबई से कब लौटा, तो तुम मुंबई से कब लौटा, तुमको नीनू मुंबई से मुंबई निंदा कब लौटा यावागा वापस बंदे। तो लौटा उसको बंदे करके बोलेंगे, वापस बंदे तो अथवा हिंदुरी बंदे। तो तुम मुंबई से कब लौटा, तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे नीनू मुंबई निंदा यावागा वापस बंदे। इधर मुंबई से तो मुंबई निंदा करके बोल रहे हैं, तो तुम मुंबई से कब लौटा, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नीनू मुंबई निंदा यावागा वापस बंदे। मैं आज सुबह ही लौटा हूं, तो उत्तर दे रहे हैं मैं आज सुबह ही लौटा हूं, तो कन्नड़ा में सुबह को बेळिग्गे बोलते हैं, सुबह को बेळिग्गे। तो मैं नानो आज ई दिना, तो आज को ई दिना करके बोलते हैं। सुबह बेळिग्गे, सुबह ही उसको बेळिग्गेने करके बोलते हैं। तो सुबह ही बेळिग्गेने लौटा हूँ वापस बंदे, तो इधर भी ला अक्षर का प्रयोग हो रहा है। तो मैं आज सुबह ही लौटा हूँ, तो खनड़ा में बोलेंगे नानु ई दिना बेळिग्गेने वापस बंदे। तो इधर लौटा हूँ तो इधर एकवचन में हो गया, इसलिए बंदे करके प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं आज सुबह ही लौटा हूँ, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नानु ई दिन बेळिग्गेने वापस बंदे। यदि आप बहुवचन में बोलना चाहेंगे हम आज सुबह ही लौटे हैं, तो हम आज सुबह ही लौटे हैं, तो कन्नड़ा में बोलेंगे नावु ई दिन, हमको नावु आज ई दिन सुबह ही बेळिग्गेने लौटे है वापस बंदवी। तो लौटे हैं उसको वापस बंद भी करके बोलते हैं, नहीं तो इंदिरगी बंद भी करके बोल सकते हैं। तो हम आज सुबह ही लौटे हैं, तो खनड़ा में बोलेंगे नावु ई दिना बेळिग्गेने वापस बंद भी, नहीं तो हिंदिरगी बंद भी करके बोलते हैं। जो बंद है वो एकवचन में हो गया, बंद भी उसको बहुवचन में प्रयोग करता है। तो मुझे अभी चलना चाहिए, तो आप बोल रहे हैं मुझे अभी चलना चाहिए, तो मुझे को नानू अभी ईगले चलना चाहिए होगा बेको। तो मुझे अभी चलना चाहिए, तो उसको खनड़ा में बोलेंगे नानु ईगले होगा बेको। इधर अभी इसको ईगले करके बोल रहा है, तो मुझे अभी चलना चाहिए, तो खनड़ा में बोलेंगे नानु ईगले होगा बेको। तो हम फिर कब मिलेंगे, पूछ रहे हैं हम फिर कब मिलेंगे, तो हमको ना वो फिर को पुना, तो इधर फिर को पुना भी बोल सकते हैं, मत्ते भी बोल सकते हैं, मत्ते। तो हम फिर कब मिलेंगे, नाउ पुना अथवा नाउ मत्ते यावागा सिगोणा, तो सिगोणा भी बोल सकते हैं, नहीं तो बेटी यागोणा भी बोल सकते हैं। तो मिलेंगे तो सिगोणा अथवा बेटी यागोणा करके बोलते हैं, कब मिलेंगे यावागा सिगोणा अथवा यावागा बेटी यागोणा करके भी आप बोल सकते हैं। तो हम फिर कब मिलेंगे, तो
ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಾಮೆ ಒಲಂಗಿ ನಾವು ಪುನಃ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋಣ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೊ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ಮಿಲೆಂಗೆ ಅಥವಾ ಬೋಲ್ರೆ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ಮಿಲೆಂಗೆ ತೊ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ಉಸ್ಕೋ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ತೊ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಿಲೆಂಗೆ ಸಿಗೋಣ ಅಥವಾ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ತೊ ಕಭಿ ನಾ ಕಭಿ ಮಿಲೆಂಗೆ ತೊ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲೆಂಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿಗೋಣ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಭಿ ಠೀಕ್ ಹೇ ತೊ ಠೀಕ್ ಹೇ ಜರೂರ್ ಅಬ್ ಬೋಲ್ ರೇ ಹೇ ಠೀಕ್ ಹೇ ಜರೂರ್ ತೊ ಠೀಕ್ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಸರಿ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲೆಂಗೆ ಜರೂರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೊ ಠೀಕ್ ಹೇ ಜರೂರ್ ಉಸ್ಕೋ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲೆಂಗೆ ಸರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಬ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಸಮಯ ಗುಡ್ ಬೈ ಜೊ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಗುಡ್ ಬೈ ಕೋ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೊ ಮೈ ಚಲ್ತಾ ಹೂ ಯಾ ಆತಾ ಹೂ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೊ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಕೋ ನಾನು ಚಲ್ತಾ ಹೂ ಯಾ ಆತಾ ಹೂ ಉಸ್ಕೋ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ತೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಮತ್ಲಬ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೊ ಮೈ ಚಲ್ತಾ ಹೂ ಯಾ ಆತಾ ಹೂ ಉಸ್ಕೋ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲೆಂಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ನಾ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಗೇ ಹೋಗಾ ಯದಿ ಆಪ್ಕೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಸಂದ ಆಯಾ ತೊ ಆಪ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ದಬಾ ದೀಜಿಯೇ ಔರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಭಿ ಕರ್ ದೀಜಿಯೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರ್ತೆ ರಹಿಯೇ ಔರ್ ಸೀಖ್ತೆ ರಹಿಯೇ ಫಿರ್ ಅಗಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೇ ಮಿಲೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ತೊ ಇದನ್ನ ಫಿರ್ ಉಸ್ಕೋ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ರೆ ಆ ಪುನಃ ಭಿ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಫಿರ್ ಅಗಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೇ ಮಿಲೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ತಬ್ ತಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ರೆ ಹೇ ತೊ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೊ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರ್ಕೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ ತೊ ಆಪ್ ಸಬ್ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.